स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत अभी तक जैन धर्म को और उसकी फिलोसफीज ने किस तरीके से समाज को एक दिशा और दशा दी जिससे समाज गतिशील और संचालित हो सके। और फिर साफ साफ मतलब धर्म का ये भी होता है कि वो नियम कायदे कानून व व्यवस्था है जो पूरी तरीके से समाज को संचालित करती है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नैतिकता अनैतिकता के। तो कहीं ना कहीं धर्म के अंदर का जो भाव होता है वो मानवतावादी होता है और पूरी तरीके से नैतिकता पर आधारित होता है। बौद्ध और जैन धर्म के उदय होने का सबसे स्पष्ट और सबसे बढ़िया जो कारण था वो ये था कि वर्ण व्यवस्था जो कलर क्लासिफिकेशन समाज का हो चुका था। अगर किसी ने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो इससे पूर्व की सारी वीडियो देख लें, लिंक के रूप में किस तरीके से चीजें जुड़ती है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है वो सारा पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्ण व्यवस्था की जटिलता, जो कलर क्लासिफिकेशन किया गया था सोसाइटी का वर्णों के आधार पर, रंगों के आधार पर, उसमें अब पूरी तरीके से जटिलता आ चुकी थी। चूंकि जो वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक दौर में आपके कर्मों अनुसार स्थापित की गई, अब वो कर्म आधार ना होकर पूरी तरीके से जन्म आधारित हो गई और जन्म आधारित होने से कहीं ना कहीं असमानता का भाव समाज के अंदर फैलने लगा। जन्म आधारित सामाजिक संरचना होने के कारण ही जैन और बौद्ध धर्मों को पूरी तरीके से उस वर्ग के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा जो पूरी तरीके से सामाजिक नियम कायदे कानूनों पर पूरी तरीके से स्थापित था और कहीं ना कहीं बलपूर्वक जो बैठा था नियम कायदे कानूनों पर, वो चाहता था कि सामाजिक संरचना अगर इस तरीके से रहे तो वो ज्यादा दिनों तक शासन कर सकते हैं। लेकिन कितने ही बलबंद, कितने ही हिटलर, कितने ही चंगेज, कितने ही ऐसे शासक क्यों ना रहे हों जिनकी मानसिकता ये थी कि वो आजीवन पूरी तरीके से शासन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हर व्यवस्था का तख्ता पलट भी हुआ है। आडंबर पूर्ण समाज का निर्माण हो चुका था, तो पूरी तरीके से आत्मा और परमात्मा का खेल रचकर अब आत्मा और परमात्मा के नाम पर आपको ठगने वाला समाज आज भी है। और आत्मा और परमात्मा के नाम पर तब भी एक ऐसा वर्ग था जो पूरी तरीके से ठग था, तो इस एवज में ब्राह्मण बेचारा कहीं ना कहीं बदनाम होता चला गया। क्योंकि जो आज के सामाजिक ठग है, सारे के सारे सामाजिक ठग है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके द्वार पर भिक्षा लेने आते हैं और भिक्षा के माध्यम से आपको ठगी के आधार पर कुछ भी ठग ले जाते हैं। तो आडंबर पूरी तरीके से क्या था, फैला हुआ था, बलि प्रधान बन चुका था हमारा समाज, यानी कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु बलि का एक कॉन्सेप्ट आ चुका था। और बलि में व्यापक पैमाने पे जो पूरी तरीके से जिस जानवर की कटाई हुई अंधाधुंध रूप से, वो वही जानवर था जो हमारे खेतों के अंदर हमारे हलों को हाका करता था। हमारे हलों को हाकने वाले जानवर के साथ कटाई हो रही है और उस पूरी तरीके से क्या नाम है, हलों को हाकने वाला जो वाहक है वो भी कहीं ना कहीं समाज का वो वर्ग था जो पूरी तरीके से सुविधाहीन है। तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, बैलों को हाकना है तो इसके साथ भी पूरी तरीके से क्या थी, हिंसा। ये पूर्व में हम डिस्कस कर चुके हैं, बैलों को हाकने वाले के साथ भी हिंसा है और वो हिंसात्मक रवैया इतना खतरनाक तीव्र हो गया कि हमारा वर्तमान समाज भी आज बलि प्रधान है और तब का समाज भी बलि प्रधान था। अगर आप ट्रेवल करते हुए जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में तो आज भी देवी देवताओं को छोटे छोटे, मतलब हर गांव का एक कुल देवता है, उन्हें प्रसन्न करने हेतु ऐसी प्रथाएं, ऐसी मान्यताएं प्रचलन में है जो बलि देकर खुश करना एक ईश्वर को पूरी तरीके से क्या कर देता है, आत्मसम्मान की भावना को पैदा कर देता है। क्या किसी बलि से कभी कोई ईश्वर खुश हुआ है क्या, कदे भी नहीं। तो बलि प्रधान व्यवस्था को बिल्कुल जो एक कटाक्ष है वो किया गया उन फिलोसोफर्स के द्वारा, उन विचारकों के द्वारा जो चाहते हैं समाज की ये सारी चीजें विलोपित होकर पूरी तरीके से एक सामाजिक संरचना ऐसी बने जहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध बौद्ध धर्म का उदय हुआ। वो कहते हैं कि आप इतने धार्मिक कर्मकांड करते ही क्यों हैं, आपके जन्म से लेकर आपके मरने तक नहीं, आपके मरने के बाद भी नियम कायदे कानून इतने खतरनाक हैं कि अगर आप इन धार्मिक कर्मकांडों को नहीं करोगे तो पंडित जी आपको डराएंगे कि बेटा बहुत पाप लगेगा और कहीं स्वर्ग या नरक में बैठे हुए तुम्हारे माता पिता तुम्हें देख रहे हैं,
तो उनके नाम पे दक्षिणा दो। तो यही कर्मकांड जो इस तरीके से एक भय एक डर के रूप में स्थापित कर दिए गए थे लोगों के अंदर, उन्हीं के विरुद्ध खड़ा हुआ बौद्ध धर्म था। असमानता का भाव जो इस सामाजिक संरचना में कहीं ना कहीं ये वर्ण व्यवस्था जो जटिल हो चुकी थी, इसी वर्ण व्यवस्था का तख्ता पलट करने हेतु बस जो वास्तविक उद्देश्य था वो ये था कि इस अ को किसी तरीके से हटाकर इस असमानता को पूरी तरीके से समानता में तब्दील करना है, इस हिंसा में ये अ हटाकर यहाँ लगाना है और तब जाकर सोसाइटी को गतिशील और संचालित करना है। तो मतलब कुल मिलाकर जो फिलोसफीज थी उन फिलोसफी से आपको पता चलेगा जो हम डिस्कस करेंगे अभी कि उन फिलोसफी के अंदर कितना दम था और वो कितनी सरल थी जिसके माध्यम से सोसाइटी के अंदर समानता स्थापित हो सकी, अहिंसा स्थापित हो सकी, धार्मिक कर्मकांड खत्म हो चुके, बलि प्रधान समाज का विलोपन हो गया, आडंबरपूर्ण समाज का विलोपन हो गया, जन्म आधारित व्यवस्था में जो सामाजिक संरचना खड़ी थी वो बिल्कुल सरल हो गई, वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म ही होती चली गई जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी कड़ियां जुड़ने लगी। लेकिन कितने दिन, गौतम बुद्ध और महावीर के बाद फिर लोग भूल गए और फिर ये समाज उसी तरीके से उसी अनुरूप काम करने लगा। पिछले 3500 सालों से लेकर आज तक समाज की व्यवस्था एज इट इज है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ जो व्यवस्था दी जा रही है वो कुछ समय के लिए तो ठीक ठाक रही, लेकिन एक समय बाद वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से फिर अवरुद्ध हो जाएगी और अवरुद्ध होने के बाद फिर समाज उस ओर गतिशील होगा जहाँ समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता की भावना उत्पन्न हो। भले ही आपके हाथ में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर अगर आज भी कहीं ना कहीं ये चीज पनप रही है तो लानत है आपके होमो सेपियंस सेपियंस होने पर, क्योंकि अगर सोसाइटी से ये चीज समाप्त नहीं हुई है तो फिर काहे की तरक्की और काहे की 21वीं शताब्दी और काहे का ये समाज और काहे की ये व्यवस्था। मतलब समझिए कि आधुनिकता हम मानते हैं बड़े बड़े गैजेट्स को कि वो हमारे हाथ में है तो हम आधुनिक हैं, बल्कि आधुनिकता इस बात पर बल देती है कि जो समाज की सभी व्यवस्थाओं में एज इट इज यूनिवर्सलिटी के रूप में आधारित है, अगर वो ही हम अडॉप्ट नहीं कर पाए तो फिर आप पश्चिम के समाजों को देखोगे तो वो आपको भले ही नंगे दिखाई देते हो लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो चीज नहीं है वो समाज को लेकर भेदभाव नहीं है। लेकिन एक वर्ग वहां भी खड़ा है, एक धड़ा वहां भी खड़ा है कि काले और गोरे का भेदभाव तो वहां भी है, तो वर्ण व्यवस्था को पैदा करने वाले ही कौन थे, अंग्रेज। समझिए कि मैक्स मूलर का मत कितना सटीक है कि हम लोगों ने काले और गोरे का भेदभाव वहां भी किया है और हम सिखाते हैं कि आप यहाँ भी काले और गोरे का क्या करो, भेदभाव करो और इसी को आधार बनाकर समाज की संरचना को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित कर दो। तो फिर यदि बड़े बड़े गैजेट्स लेकर भी हम भेदभाव को समाप्त नहीं कर पाए तो फिर ये बताएं कि क्या 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम आदिम समाज से कभी बाहर निकले ही नहीं है, आदिम समाज से बाहर हम निकले ही नहीं है। मतलब वहां भी हमारा उद्देश्य पेट भरना था और यहाँ भी बस पेट भरकर एक दूसरों को नीचा दिखाना ही हमारा उद्देश्य रह गया। इन सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ 62 बड़े संप्रदाय का उदय हुआ और 62 बड़ी फिलोसफीज ने कहा कि भैया अगर सोसाइटी के अंदर जीना है तो एक चीज पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो, व्हाट इज लाइफ, और शायद जब आपको उत्तर मिले तो आपकी सृष्टि और आपकी दृष्टि बदल चुकी होगी। इन्हीं सारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो समाज एकत्रित होकर बुद्ध के पक्ष में चला गया सबसे ज्यादा वो था जिसके साथ असमानता का भाव उत्पन्न था, और असमानता ना तो ब्राह्मण के साथ थी, ना ही वैश्य के साथ थी, ना ही क्षत्रिय के साथ थी। तो असमानता अगर किसी वर्ण के साथ थी तो वो सबसे नीचे का वर्ण और वो था शूद्र। तो बड़ी संख्या में गौतम बुद्ध के पक्ष में चला गया पूरी तरीके से वो वर्ग जो असमानताओं के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाया, जिसके साथ सर्वाधिक हिंसा थी, वो गौतम बुद्ध के पक्ष में जाकर कहने लगा कि महाराज बचाएं और हमें ये बताएं कि अब समाज को किस तरीके से संचालित करना है, कि संचालित करने की तुम्हें आवश्यकता है ही नहीं, संचालित करने की आवश्यकता तुम्हें है ही नहीं, अगर तुम चाहते हो मुझसे जुड़ना तो बस अपनी इच्छाओं का विलोपन करके मेरे पास आ जाओ। कि साहब हमारी तो कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि यदि हमारी कोई इच्छा होती तो आज भी हम हल ना हाँक रहे होते,
आज भी हम गोबर झाड़ू पोछा ना कर रहे होते तो मतलब हमारे ऊपर जो कर्म है वो तो सारे के सारे लाद दिए गए थे। दूसरों की इच्छा को आरोपित करने वाला कोई वर्ग था कि वो लाद दिया गया हमारे ऊपर पूरी तरीके से, और हमारे तो किसी प्रकार की कोई इच्छा है ही नहीं। और इच्छा का विलोपन अगर करना है तो साहब ये बताएं कि किस तरीके से हम आपके मार्गदर्शन में रहकर एक अच्छे समाज को निर्मित कर सकते हैं, कि इच्छा का विलोपन और बुद्धत्व की प्राप्ति यही मार्ग है। और इसी मार्ग पर चलकर हर प्राणी जो है वो समानता के भाव को भी पैदा कर सकता है और अहिंसा के भाव को भी पैदा कर सकता है। तो बुद्ध महावीर से ज्यादा प्रासंगिक हो गए क्योंकि बुद्ध के पक्ष में वो समाज आया जो समाज में संख्या में ज्यादा था, बहुसंख्यक वर्ग सबसे नीचे का। महावीर के पक्ष में वो आदमी गया जो शूद्र से अपर था, वैश्य वर्ग। तो वैश्य तो चला गया महावीर स्वामी के साथ और शूद्र चला गया गौतम बुद्धा के साथ, और गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी दोनों ही जिस कुल से हैं उस कुल का नाम है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म है शासन करना, और शासन करने वाला ही क्या देने लगा, उपदेश। तो इन्हीं उपदेशों के माध्यम से समाज को वो दिशा और दशा मिली जिसके कारण बुद्ध या बौद्ध धर्म इतना फला फूला कि उसके बाद के शासक भी पूरी तरीके से उसी धर्म को अडॉप्ट कर समाज के अंदर वो झंडा ठोक कर गए हैं जिसे पूरी तरीके से आज तक भी हिला नहीं जा सका है। तो आइए बात करें ये गौतम बुद्ध क्या क्या फिलोसफीज थी और कितनी सरलता से गौतम बुद्ध के पक्ष में आने के बाद जीवन यापन करने वाले समाज को पूरी तरीके से वो राह मिली कि उसने एक बार पुनः इंडस वैली सिविलाइजेशन खड़ी कर दी, और वो भी उस रूप में जिस रूप में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और यही थी 16 बड़े महाजनपदों के उदय होने की कहानी भी, क्योंकि पूरी तरीके से जब ये सारे के सारे फिलोसफी आ जाएंगी सोसाइटी के अंदर तो ये सारे के सारे फिलोसफीज समाज का वो निर्धारण करेगी कि पूरी तरीके से सर्व समाज एकत्रित होकर बंधुत्व की भावना का विकास करते हुए ऐसी मार्केट्स को खड़ा करेगा कि भारत के अंदर ऐसी मार्केट्स ना तो कभी पहले खड़ी हुई थी और ना तब के बाद खड़ी हो पाई है। बस उन कड़ियों में आज विस्तार कर दिया गया तो वही पाटलिपुत्र आज हमारा पटना हो गया। तो मतलब कुल मिलाकर समझिए कि जैन और बौद्ध धर्म के आने से जो जटिलताएं थी समाज की वो पूरी तरीके से क्या हो गई, समाप्त हो गई। और इसी समाप्ति की घोषणा करते हुए महावीर और बुद्ध ने वो रास्ता दिखा दिया लोगों को जिस पर चलकर लोग पूरी तरीके से अपने पुराने दिनों में लौट सकते थे, और वो था एक शुद्ध और सरल जीवन यापन करना। तो डिस्कस करते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी फिलोसफीज हैं वो। आप चाहें तो इस लेक्चर को कहीं भी सेव कर लें, क्योंकि ये न केवल सिलेक्शन लेने से पहले बल्कि सिलेक्शन लेने के बाद भी काम आएगा। जब किसी डिबेट और डिस्कशन में आप होंगे तो वहां ये काम करती है चीजें कि आप जो भी बोल रहे हो उसमें तर्क हो, और आपके तर्क को जब खंडित कर दिया जाएगा तो उसके बाद पुनः एक और तर्क हो, मतलब तर्कों के आधार पर चीजों का वर्गीकरण, मतलब कुल मिलाकर रीजनेबल आंसर या पूरी तरीके से रीजनिंग अप्लाई करके आपको इतिहास को समझना है। क्लियर? तो आइए चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध की मुख्य फिलोसफीज पर। थैंक यू। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को लेकर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप डी, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप ए जैसे एग्जाम्स में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, वहाँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। वहाँ सवाल इस तरीके से होंगे कि गौतम बुद्ध ईश्वर में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर दो, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नंबर तीन, ऑप्शन नंबर थ्री कि गौतम बुद्ध आत्मा और परमात्मा जैसी चीजों का खंडन करते थे, केवल एक या दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से वहां कॉन्सेप्ट के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं जो भी आपके ग्रुप ए लेवल के एग्जाम होते हैं। तो ग्रुप ए में तो ये चीज खत्म हो जाती है, लेकिन उससे नीचे जितने एग्जाम है या स्टेट पीसीएस भी इतने गंदे सवाल पूछता है कि कई बार ये मतलब आपको इतना दुख महसूस होगा कि यार घोड़े का नाम भी पूछता है कि गौतम बुद्ध जिस रथ पर चले थे उस घोड़े का क्या नाम था। मतलब समझिए कि पेपर का लेवल क्या है, ठीक। तो आप देखें कि जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ,
यानी कि जब ईसा मसीह जन्म ले चुके हैं उसके 563 साल पहले भारत के अंदर वो शख्सियत पैदा हो चुकी है जिसे अडॉप्ट करने में भारतीयों को तो लज्जा और शर्म महसूस होती है, लेकिन विदेशी बड़े शौक से उसे अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर आज भी बुद्ध को बुद्ध के रूप में समझा नहीं गया। एक जाति विशेष ने इसे इतना अच्छा खासा अडॉप्ट कर लिया कि आज उस जाति विशेष के अलावा कोई भी बुद्ध को अडॉप्ट करना नहीं चाहता। ये भारत की वास्तविकता है कि अगर आपके नाम के पीछे खान है तो मतलब कहीं ना कहीं आप मुसलमान हैं, और मेरे बच्चे का नाम अगर औरंगजेब हो तो आप उसे हिंदू मुस्लिम में तब्दील करेंगे क्या? मतलब समझिए कि यहाँ नाम में तो ढूंढा जाता है धर्म और टाइटल में ढूंढी जाती हैं जातियां, तो इस वजह से क्यों ना ये टाइटल्स जो दिए गए थे उस समय गोत्र व्यवस्था के आधार पर, उससे एक पहचान थी कि समाज में अच्छे ये आदमी फला जाति से है, ओ इसका तो बहिष्कार करना है। तो मतलब ये टाइटल व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था, इन सब के खिलाफ उठ खड़ा जो धर्म था वो था बुद्धिज्म और जैनिज्म, मतलब नास्तिक दार्शनिक, कि कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका नहीं है, आप हमारे पास आइए, जीवन की राह में ध्यान करें और बस अपना बेड़ा पार करें। कुछ इस तरीके की चीजें सारी के सारी घटित होती चली गई। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में, उपनाम है सिद्धार्थ। गृहत्याग की घटना 29 की एज में जो है इन्होंने गृहत्याग कर दिया, और ये घटना पूरी तरीके से क्या कहलाएगी ये डिस्कस करेंगे अभी एक फॉर्मेट बनाकर। सारथी का नाम है चन्ना, ध्यान गुरु है इनके अलार कलाम, ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया बिहार के अंदर, प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर में ही हुआ जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तिथि है 483 ईसा पूर्व। तो अब 563 ईसा पूर्व से अगर 483 हम लोग घटाएंगे तो सीधा सीधा जो हमारे पास आएगी आयु वो आएगी 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण ले चुके हैं। ये शब्द कहां से आया निर्वाण, ये महापरिनिर्वाण क्या होता है, ये सारे के सारे चीजें डिस्कस करेंगे। जिन पर भी ग्रीन टिक लगा है, चाहे वो जन्म हो, चाहे वो ज्ञान प्राप्ति हो, चाहे वो महापरिनिर्वाण हो, वो सारे ही सारे घटना जो घटित हुई वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। इसीलिए बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध पूर्णिमा का एक विशेष या वैशाख पूर्णिमा का एक विशेष महत्व होता है। तो इसी के साथ अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये कुछ इस तरीके से घटनाएं और उसका संबोधन है कि कौन सी घटना को किस तरीके से संबोधित किया गया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये चार चीजें आप याद रख लें कि गृह त्याग जब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने या कहें सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया तब वो घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई अगले ही 6 वर्षों में, मतलब कुल मिलाकर 29 में अगर 6 वर्ष और जोड़ दोगे तो यह आंकड़ा हो जाएगा 35। 35 वर्ष की आयु में इन्हें संबोधि की अवस्था को प्राप्त करना पड़ा, ज्ञान प्राप्ति हो गई। जब 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया तो यह घटना कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और मृत्यु की जो घटना है वो कहलाई महापरिनिर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, मतलब गौतम बुद्ध ने जो मानव शरीर है उसको लेकर एक संज्ञा ये दी है कि मानव जो शरीर है वो जलती हुई लो है, अगर वो व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन में उतर जाए और ये लो जिस दिन समाप्त हो जाती है हम हर बंधन से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण को के रूप में जाना गया। तो यहाँ इसे नोट करके लिख लेना क्योंकि UPSC ने पूछा था ये सवाल कि निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। तो पूरी तरीके से जीवन जो एक दीपक की तरह है वो महापरिनिर्वाण के समय क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बुझ जाता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बुद्ध ने एक चीज ये कही कि अगर आप इस जीवन के रहते ही निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं का क्या करते हैं, विलोपन करते हैं। वही महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर आपको इस सारे तामझाम और जंजाल से मुक्ति चाहिए जिसे जीवन या संसार कहते हैं तो आप पूरी तरीके से आजीवन अन्न और जल का क्या कर दे, त्याग कर दे। कुछ ही समय में सारी ऊर्जा जो है वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगी और पूरी तरीके से आप संलेखना को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, आपको किसी प्रकार से अपने जीवन को मृत्यु के कुएं में धकेलने की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम चाहो
तो पूरी तरीके से अपनी इच्छा को उस कुएं में धकेल दो। अगर ये इच्छा आपने धकेल दी तो पूरी तरीके से क्या होगा, तुम्हें इसी जीवन के रहते निर्वाण प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है, जो धर्म कहता है कि मरने के बाद मुक्ति संभव है उस ओर आकर्षित कम होंगे लोग, और जो कहता है कि जीवन के जीते जी पूरी तरीके से आप जीवन को जी सकते हैं और यही आप पूरी तरीके से निर्वाण को प्राप्त भी कर सकते हैं, तो उस ओर संख्या में ज्यादा आते चले गए लोग। तो अगर जीवन यापन करते हुए किसी तरीके से आप सच में बुद्धत्व को प्राप्त होना चाहते हैं तो ये तीन चीजें आपको पूरी तरीके से पालन करना होगा, प्रज्ञा, सील, समाधि। तो दो रूपों में इसे वर्गीकृत, तीन रूपों में इसे वर्गीकृत और तीन रूपों में इसे वर्गीकृत, तीन और तीन छह और दो आठ, यही आठ चीजें हैं जो पूरी तरीके से निर्वाण या उस दीपक को पूरी तरीके से बुझाकर क्या करती है, आपकी इच्छाओं का विलोपन और पूरी तरीके से आप समाधि की अवस्था में जाकर अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं और हर मनुष्य अपने आप में बुद्ध बन सकता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ऊर्जावान या प्रकाशवान। तो बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बुद्ध वो अवस्था है जब आदमी पूरी तरीके से चेतना या इनलाइटेड हो जाता है या इनलाइटमेंट को अडॉप्ट कर लेता है, तब वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बुद्ध कहलाने के लायक हो जाता है। तो यहां जो चीज है वो ये सम्यक जो अर्थ है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है सम्यक का सत या सच्चा। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, दो चीज यहां आ गई। आपके द्वारा देखी जाने वाली कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, दृष्टिबद्ध पूरी तरीके से सत होनी चाहिए। आपके द्वारा लिया गया कोई भी संकल्प क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से सत होना चाहिए। आपके द्वारा जिस भी वाणी का उपयोग किया जा रहा है वो भी सत्य होनी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। तो आप अगर शरीर के स्वरूप में चलेंगे तो सबसे पहले दृष्टि की बात की, संकल्प जहां से लिया जाता है वो मस्तिष्क है, उसके नीचे जब आए तो थॉट हुआ, गला हुआ, तो वाणी की बात हुई, उससे नीचे जब आए तो कर्मांत की बात हुई, सम्यक कर्मांत कर्मों की और सम्यक आजीविका। आपके द्वारा अर्जित किसी प्रकार का धन, आपके द्वारा अर्जित कोई भी जो कर्म है वो सच्चा स्वरूप उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी तो आपने ले ली लेकिन आचार विचार व्यवहार या नैतिकता आप अडॉप्ट नहीं कर पाए, और आप उस दिहाड़ी मजदूर से जो 300 की दिहाड़ी मजदूरी करता है उससे भी रिश्वत लेने में नहीं हिचकिचाते, तो फिर आप जीवन की गतिशीलता में नहीं बढ़ रहे हैं, आप मृत्यु नर्क के उस घनघोर अंधेरे में घुस रहे हैं जहां से आपको आपका ईश्वर भी नहीं निकाल सकता। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, यादें, मेमोरीज, और फिर सम्यक समाधि। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इन्हीं तीन स्कंदों को आठ रूपों में वर्गीकृत कर अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग, इन आठ मार्गों का पालन करने के बाद कोई भी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, वो भी अपने शरीर को त्यागे बिना। यानी कि बुद्ध कहते हैं कि शरीर को त्यागना संभव नहीं है, शरीर तो तभी त्यागा जाएगा जब उसमें श्वासों के आवागमन का चक्र पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अगर आपको निर्वाण चाहिए या समाधि चाहिए तो आप इन आठ मार्गों का पालन करते हुए अपनी इच्छाओं का विलोपन कर सकते हैं, और इसका फायदा यह होगा कि आप कभी भी इस दुख से पीड़ित नहीं हो सकते। तो इन अष्टांगिक मार्गों का पालन कर आप जिस चीज को समाप्त कर सकते हैं, आइए उस चीज पर भी डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और आप लोग सभी लिख लें इसे। तो उन अष्टांगिक मार्ग पर आप तब चल सकते हैं जब आपने चार आर्य सत्य जान लिए हों।
ये चार आर्य सत्य है दुख की पहचान करना। दुख इन एक्चुअल है क्या आपके जीवन में? यदि दुख है तो उसकी पहचान करें कि ये दुख क्यों है और ये दुख है क्या। फिर आप सीधा सीधा जाएं कि उस दुख का कारण क्या है, तो पता चलेगा कि सारे के सारे दुख का कारण आपकी तृष्णा है, आपकी इच्छा है। और यही तृष्णा यही इच्छा पूरी तरीके से आदमी को दुखी बनाती है। और अब इस तृष्णा और इच्छा का अगर त्याग करना है तो अष्टांगिक मार्गों का पालन करें, वही इसका निवारण है। दुख निरोध गामिनी का शाब्दिक अर्थ होता है, निरोध का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को संपादित होने से पहले ही रोकना। मतलब दुख जहां से उठ रहा है उसे वहीं के वहीं फुल स्टॉप लगाना दुख निरोध गामी होगा। तो सबसे पहले दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निरोध गामी, इन चार आर्य सत्यों के बाद जिस प्रकार के त्रिरत्न कहे गए थे आपके जैनिज्म में, तो यहां भी त्रिरत्नों की बात होगी। यहां जो त्रिरत्न होंगे, त्रिरत्न, तो वो त्रिरत्न होंगे। नंबर एक, आपको उस अवस्था को प्राप्त करना है जो पूरी तरीके से इनलाइटेड हो, और उसी अवस्था को कहा गया बुद्ध। बुद्ध बनने के बाद आपको आचार विचार व्यवहारों से क्या होना पड़ेगा, नैतिक होना पड़ेगा, तो नैतिकता की बात होगी। और नैतिकता का मतलब होता है धम्म। और इस नैतिकता और आचार विचार को अडॉप्ट करने के बाद आपको संघ में प्रवेश करना पड़ेगा। वैसे तो संघ का शाब्दिक अर्थ यूनियन होता है, तो अगर आप स्वयं में संगठित हैं तो आप नैतिक हैं, और अगर आप नैतिक हैं तो आप बुद्ध हैं, और अगर आप बुद्ध हैं तो आप स्वयं में एक रत्न हैं, एक जैम है जिसका कोई भी तोड़ नहीं हो सकता। तो त्रिरत्न वहां भी थे जैनिज्म में, और त्रिरत्न बुद्धिज्म के अंदर भी कहे गए। बुद्ध प्रकाशित अवस्था, धम्म आचार विचार व्यवहार नैतिकता, और संघ पूरी तरीके से संगठन। तो प्रकाशित अवस्था बुद्धत्व की अवस्था, नैतिकता आचार विचार व्यवहार आपका धम्म, और आपका संगठित होना स्वयं में ही आपका संघ। तो इन त्रिरत्नों का पालन कर आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, बौद्ध धर्म का पालन, बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। तो आइए अब डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स पर जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट है वो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो बौद्ध धर्म की 10 शिक्षाएं जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर इन 10 सील या 10 शिक्षाओं पर चल गया इंसान तो फिर शायद उसे पछतावा, तो शायद उसे दुख या किसी प्रकार का कोई सैक्रिफाइस जीवन में ना करना पड़े। अगर वो सैक्रिफाइस करना चाहता है तो स्वयं में करे, अपने अनंत गहराइयों में उतरे, और अनंत गहराइयों में उतरने के बाद इन 10 शिक्षाओं का क्या करे पालन। नंबर एक, अहिंसा कतई भी पूरी तरीके से नहीं करनी है, चाहे वो वैचारिक हो और चाहे वो व्यवहारिक हो, पूरी तरीके से सत्य का सदा पालन करना है चाहे वो किसी भी रूप में हो। ऐसे किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी है, चाहे वो कोई विचार है, चाहे वो कोई व्यवहार है, और चाहे वो किसी प्रकार से कोई वस्तु। तो चोरी नहीं करना, ऐसे मतलब अहिंसा, सत्य, ऐसे और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 1 2 3 4 5, ये 5 की 5 चीजें एज इट इज हूबहू जब आपने पढ़ा था जैनिज्म को, वहां भी आपने पढ़ा था, लेकिन इन 5 चीजों में 5 सील और जुड़ने के बाद ये बौद्ध धर्म के 10 सील हो गए। अहिंसा नहीं करनी, सत्य करना मतलब सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी, धन का किसी प्रकार से संचय नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अपने अनंत वीर्य को ऊर्जावान रूप में स्थापित करके आपको स्वयं में लीन होना है, दोपहर के बाद भोजन न करने की मनाही कर दी गई, अनैतिकता का कतई भी पालन नहीं करना, अनैतिक विचारों का पालन नहीं करना, अनैतिकता को बढ़ावा नहीं देना। तो मतलब जो चीजें ह्यूमैनिटी के खिलाफ खड़ी हो आप वो पूरी तरीके से ना करें, मद्य का सेवन ना करें, चाहे वो किसी प्रकार का नशा ही क्यों ना हो। मतलब कि हर प्रकार के नशे से आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि यार एक बात बताओ, जीवन का नशा ही इतना घनघोर नशा है कि फिर शायद आपको किसी और चीज की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन दूसरी बात यह भी है, एक चीज की प्रासंगिकता यह भी है कि नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। तो मतलब हर आदमी को किसी न किसी चीज का नशा तो है,
किसी को पढ़ने का नशा है तो किसी को पढ़ाने का नशा है, किसी को लड़ने का नशा है तो किसी को लड़ाने का नशा है। तो मतलब हर प्रकार से दुनिया किसी ना किसी नशे का शिकार है। तो यहाँ कहा गया है कि मद्य का सेवन ना करना, वो नशा ना करना जो आपके मानसिक और शारीरिक हालात को बिल्कुल पूरी तरीके से डावाडोल स्थिति में ले जाता है, क्योंकि ना तो फिर आप वहां चिंतक रहते और ना ही फिर आप पूरी तरीके से ध्यान जैसी मुद्राओं में या ध्यान जैसी कलाओं में निपुण नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपने स्वयं को बेहोश कर लिया तो फिर मुझे ये बताओ होश में कौन है यहाँ इस दुनिया के अंदर। तो इसी क्रम में ये बढ़े और इन्होंने कहा कि आरामदायक सैया का परित्याग करना है। मतलब जहां आप लेट रहे हैं, जहां आप उठ रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं, वो जगह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होनी चाहिए। तो आज तो बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने बड़ी बड़ी सी गद्दियों को स्थापित कर लिया है, और बड़ी बड़ी गद्दियों को स्थापित करने के बाद लवालब प्रवचन। तो क्या वो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर पाएंगे? क्या वो कभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो एक चीज को अगर प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, वो होगा धन, और धन ही वो आयाम है जो आपको दूसरों से ऊपर उठाता है। मतलब ये भौतिकवादी दार्शनिकता है कि अगर आपके पास सोसाइटी में ज्यादा धन है तो आप ज्यादा साधन संपन्न है, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है और आप एक गुणी व्यक्ति हैं तो फिर आपके गुणों का कोई भी मतलब एक किस्म से क्या कहें कि उसकी मान्यता नहीं रहती, मतलब ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। धन है तो बड़े आदमी है। आभूषणों का त्याग करना है, किसी भी प्रकार की चल और अचल संपत्ति का तो त्याग करना ही है, यहाँ आभूषणों का त्याग करना है। तो आभूषणों का त्याग भारतीय सभ्यता समाज में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ एक खतरनाक व्यवस्था है जो पूरी तरीके से आभूषणों को बढ़ावा देती है, एंड दैट इज डोरी सिस्टम। आभूषणों को बढ़ावा देने का काम ही डोरी सिस्टम ने किया है, और इसी डोरी सिस्टम के कारण आभूषण आपके तन पर तो सज गए, लेकिन आपने कभी अपने मन के अंदर एक भी आभूषण ऐसा नहीं लगाया जिसके कारण अंदर से आवाज आती और वह कहती दैट यू आर द बेस्ट। मतलब समझिए इन चीजों को कि बुद्ध पांच चीजों को एडॉप्ट करके महावीर से अपनी पांच चीजों को और दे रहे हैं और 10 सीलों पर कह रहे हैं कि अगर इसका पालन और यदि आपने इन 10 सीलों का पालन कर लिया तो फिर आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जीवन के जीते जी आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार के दुखों से आप क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, और हर प्रकार के दुखों से मुक्ति ही पूरी तरीके से आपको क्या बनाती है, सुखमय बनाती है, एक अनंत वो व्यक्ति बनाती है जिसका कहीं भी कोई भी तोड़ नहीं होता। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले, क्योंकि ये सारे के सारे जानकारी आपको किताब के माध्यम से मिलेगी। लेकिन लेक्चर में जो चल रहा है, जो बोर्ड पर नहीं लिखा गया, बस उसे दिमाग के अंदर फिट कर ले कि जब इतिहास को पढ़े तो एक इंसान एक मतलब पूरी तरीके से एक ह्यूमनिटी को बढ़ावा देते हुए पढ़े। यहाँ आपका पलटा अगर भारी हो गया लेफ्ट और राइट विंग में तो फिर पूरी तरीके से इतिहास गड़बड़ा जाएगा और आप इतिहास को अनुरूप नहीं पढ़ सकेंगे जिस रूप में इतिहास को पढ़ा जाना चाहिए था। तो आइए यहाँ डिस्कस करते हैं पूरी तरीके से 4 बड़ी बौद्ध संगीतियों को, और इसके बाद अपने लेक्चर को क्या देते हैं, विराम देते हैं। तो कुछ 4 संगीतियां, हालांकि हुई तो 5 है टोटल, लेकिन 4 जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तो कौन कौन सी बौद्ध संगीति किस समय हुई, इसका स्थल क्या था, अध्यक्ष क्या था, संरक्षक क्या था, और इसका कार्य क्या हुआ। ये सारे के सारे चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आप समझ लें कि वेरी वेरी खास और मोस्ट खास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड मतलब इतना बेहतरीन व्यवस्था कि इस तरीके से सजाया गया सारे के सारे चीजों को कि आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसे पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको कई प्रकार के सवाल मिलेंगे। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस समय हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थल पर हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, यदि साहब प्रथम बौद्ध संगीति जिस समय हुई उस समय किसका शासन था, ये सवाल आएगा। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या क्या विवरण हुआ या क्या क्या कार्य घटित हुए, वो सारे का सारा आप काम पाएंगे प्रथम। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 5 और 20, इस पूरे के पूरे टेबल से आपको 20 ऐसे सवाल मिलेंगे जो 20 सवाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 483 ईसा पूर्व, स्थल था बिहार, राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप, संरक्षक है अजात शत्रु, और कार्य हुआ सुत पिटक और विनय पिटक की रचना। सुत पिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी,
और शुद्ध और विनय को विभाजित कर दिया गया कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत और नियम कायदे कानूनों को एक और रख दिया गया और बौद्ध धर्म की जो आचार विचार व्यवहार की बातें थी वो सारी की सारी एक और कर दी गई। तो इस प्रकार दो पिटक, दो पुस्तकों का निर्माण हुआ, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। इसके तुरंत बाद दूसरी बौद्ध संगीति जब आयोजित हुई तो 383 ईसा पूर्व समय था। स्थल था वैशाली, अध्यक्ष थे सर्वकामी और संरक्षक थे कालाशोक। यहाँ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण एक धड़ा पूरी तरीके से महावीर स्वामी को कुछ गौतम बुद्ध को कुछ और मानता है और एक धड़ा गौतम बुद्ध को कुछ और मानता है, उस तरीके से विभाजन हुआ और दो पंथ या दो ऐसी चीजें उभर कर आई कि पूरी तरीके से स्थावर और महासंगिक में वो क्या हो गया, पूरी तरीके से विभाजित हो गया। समय 250 ईसा पूर्व, बौद्ध संगीति है तीसरी, स्थल है आपका पाटलिपुत्र आज का आधुनिक पटना, अध्यक्ष है मोगलीपुत्र, संरक्षक है अशोक और कार्य हुआ अभिधम पिटक की रचना। अभिधम पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है नैतिकता, आचार विचार व्यवहार, और इस पुस्तक को पूरी तरीके से बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है, द गीता ऑफ बुद्धिज्म, गीता ऑफ बुद्धिज्म। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म की गीता, तो गीता में जिस प्रकार के उपदेश हैं उसी प्रकार से अभिधम पिटक के अंदर भी उपदेश रखे गए। बौद्ध संगीति नंबर 4, समय है 72 AD, ये तीनों ही BC में है, बिफोर क्राइस्ट है, और ये आपका AD के अंदर है, एनो डोमिनी, यानी कि वो समय जब ईसा मसीह को जन्म लिए हुए 72 साल हो चुके हैं। ये समय जब 250 साल हो, मतलब ये तब स्थापित हुई जब ईसा मसीह को जन्म लेने में अभी 250 साल बाकी थे, तो ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद। स्थान है कुंडलवन, अध्यक्ष है वसुमित्र, संरक्षक है कनिष्क और कार्य हुआ हीनयान और महायान में विभाजन। हीनयान और महायान, जो बुद्ध के अवशेषों की पूजा करता है हीनयान है, जो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करता है महायान है। हालांकि खुद बुद्ध मूर्ति पूजा के तीव्र विरोधी थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनके स्वयं की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना प्रारंभ किया, तो ये कहीं ना कहीं एक आघात है बुद्ध पर कि बुद्ध जिस चीज के पूरी तरीके से घोर विरोधी थे मूर्ति पूजा के, उसी बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने वाला जो प्रचलन आया सोसाइटी के अंदर, तो हीनयान ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि एक आदमी कहता कहता चला गया कि मूर्ति पूजा घोर अभिशाप है और आप उसी आदमी की मूर्ति बनाकर पूरी तरीके से उसकी पूजा कर रहे हैं, तो ये कहां तक पूरी तरीके से प्रबल है और ये कहां तक पूरी तरीके से मतलब जायज भी है। तो तब हीनयान और महायान का क्या हो गया, विघटन हो गया, ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग हैं इस समय वो महायानी हैं, जो पूरी तरीके से बुद्ध की मूर्ति की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद या इसे आप नोट भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ा इसमें विषय नहीं है ये, हालांकि नोट्स में आपको मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि जब तक आपका प्यार बरकरार रहेगा तब तक स्माइल मेकर टीम एफर्ट लगा रही है, थोड़ा सा प्यार और बढ़ाए दोस्तों, क्योंकि अब पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने लाइव आएं और लाइव आने के बाद जो पढ़ाई होगी या जो लेवल होगा पढ़ाई का वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट्स पर होगा, इन फैक्ट्स पर वहाँ चर्चा नहीं होगी, उन फैक्ट्स के लिए आपको PDF दे दी जाएगी। ये प्यार अपना बरकरार रखें और चैनल को ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।